इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूं। Prime Minister Modi is the boss. नरेंद्र मोदी, ये नाम आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। देश ही नहीं, दुनिया का बच्चा बच्चा आज इस नाम को अच्छे से जानता और पहचानता है। वैसे तो सारी दुनिया जानती है कि बचपन से नरेंद्र मोदी ने कैसे कड़े संघर्ष करके एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। वो अब तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब एक बार फिर यानी 3री बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए बिगुल फूंक चुके हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के बचपन के संघर्ष की कहानी तो आप सब जानते हैं, इसलिए आज हम सीधा मुद्दे पर आएंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे पार्टी के शीर्ष नेताओं के विरोध के बावजूद मोदी पहले CM बने और फिर PM, और क्यों उन्हें एक वक्त पर मौत का सौदागर तक कहा गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी देश के 13वें प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और आज बात देश के 14वें प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव BJP के लिए ऐतिहासिक जीत लेकर आया था। मोदी लहर के चलते पहली बार BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन BJP के 282 सीटें जीतने और मोदी के PM की कुर्सी तक पहुंचने के बीच रोड़े थे जिनसे पार पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इससे 1 साल पहले चलते हैं, जून 2013 की घटना है। गोवा में BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आखिरी दिन था। उस वक्त राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष थे और वो सबसे आखिर में भाषण देने आए और 25 मिनट तक चुनावी भाषण देने के बाद बोले, मैंने फैसला कर लिया है कि अगले चुनाव के लिए केंद्रीय स्तर पर भी सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए। मैं नरेंद्र मोदी को उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। हालांकि राजनाथ के इस फैसले की सुगबुगाहट तो पहले से थी, लेकिन उस मीटिंग में इस तरह की किसी घोषणा की उम्मीद नहीं थी। भाजपा के कई नेता पार्टी अध्यक्ष के फैसले से सहमत नहीं थे। ये खास तस्वीर उसी ऐतिहासिक ऐलान के बाद की है और इसी ऐलान के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के कर्ता धर्ता पूरी तरह से मोदी बन गए। राजनाथ का ये फैसला BJP के कई बड़े नेताओं पर गाज बनकर गिरा, लेकिन मोदी का प्रधानमंत्री बनने की दिशा में बड़ा कदम भी बना। तो इस तरह मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी पटकथा लिखने वाले नेता राजनाथ सिंह बने। अब थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलटते हैं और मोदी के बारे में थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में BJP की सियासत में मोदी का दखल 1987 से ही शुरू हो गया था, जब RSS ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया था। उस वक्त गुजरात BJP में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का डंका बजता था, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, जिसका असर आगे चलकर नजर भी आने लगा था। दरअसल 1995 के चुनाव में BJP को बड़ी जीत मिली और केशुभाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह नहीं दी। इस बात से खफा वाघेला उनकी सरकार गिराने की योजना बनाने लगे। इस बात की भनक जब दिल्ली को लगी तो मामला सुलझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 दिनों तक वाघेला को मनाने की कवायद चलती रही, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार उन्होंने अपनी 3 शर्तें वाजपेयी के सामने रखी, जिसके मुताबिक केशुभाई को CM पद से हटाना पड़ा और वाघेला समर्थक विधायकों को मंत्री बनाना पड़ा। साथ ही नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात की सियासत से दूर दिल्ली भेजना पड़ा। इसके बावजूद गुजरात की सियासत में उठापटक चलती रही। 2 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, लेकिन सरकार कोई नहीं चला पा रहा था। फाइनली 1998 के चुनाव में BJP ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार CM बने,
लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उनके कार्यकाल में गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई। केशुभाई आपदा प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रहे। ना तो संघ के लोग उनके काम से खुश थे और ना ही विश्व हिंदू परिषद के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। कुछ इतिहासकारों की माने तो उन्हीं दिनों दिल्ली में मोदी ने केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। दावे तो यहाँ तक किए जाते हैं कि मोदी ने दिल्ली में कुछ संपादकों से केशुभाई के खिलाफ नेगेटिव खबरें छापने तक को कहा था। आउटलुक मैगजीन के संपादक विनोद मेहता एक मुलाकात का जिक्र करते हुए बताते हैं, मैं पार्टी के दिल्ली ऑफिस में काम कर रहा था, तभी नरेंद्र मोदी मेरे दफ्तर आए। वो अपने साथ कुछ कागज लाए थे जिनके मुताबिक गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई कुछ गलत कर रहे थे। आखिरकार मोदी की वो तमाम कोशिशें रंग लाईं और पार्टी हाईकमान ने केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला किया। अब सवाल ये था कि नया सीएम किसे बनाया जाए। अच्छा खासा महामंथन हुआ और जो नाम सबसे ऊपर निकल कर आया वो था नरेंद्र मोदी का। इसकी खास वजह आरएसएस, अटल और आडवाणी के साथ उनके अच्छे रिश्ते और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। अब वक्त आ चुका था जब नरेंद्र मोदी का वनवास खत्म होने जा रहा था। 1995 में गुजरात छोड़ने वाले मोदी पूरे 6 साल बाद घर वापसी करने वाले थे। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम पद पर बिठाने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन मोदी इससे पूरी तरह अनजान थे। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है जो आपको जरूर जान लेना चाहिए। गुजरात का सीएम बनने के बाद एक इंटरव्यू में खुद नरेंद्र मोदी ने बताया, एक दिन मैं बीजेपी के पुराने दफ्तर के पीछे बने छोटे से कमरे में सो रहा था कि अचानक एक फोन आया और मुझे मैसेज दिया गया कि अटल जी ने मुझे बुलाया है। मैं तुरंत तैयार होकर पहुंचा तो अटल जी बोले, पंजाबी खाना खा खा कर आप काफी मोटे हो गए हैं, आपको अपना वजन कम करना चाहिए, आप यहाँ से जाइए और दिल्ली छोड़ दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि साहब कहाँ जाऊं, तो वाजपेयी जी बोले, आप गुजरात जाइए, वहां आपको बहुत काम करने हैं। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अटल जी मुझे सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन मोदी के सीएम बनने से पहले जितनी अड़चने थी उतनी ही अड़चने उनके सीएम बनने के बाद भी सामने आई। अभी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में दंगे भड़क उठे जिनमें करीब 1000 लोगों की जान गई और दुनिया भर के अखबारों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उछालकर मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन उन सब का कोई असर नहीं हुआ। मोदी का नाम तब तक गुजरात के घर घर में पहुंच चुका था। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब दंगों के करीब 1 साल बाद गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 182 में से रिकॉर्ड 187 सीटें जीतकर फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। मोदी दूसरी बार गुजरात के सीएम बने और फिर 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार सीएम पद पर काबिज हुए। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान तो उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया था। सोनिया के इस बयान से खूब राजनीतिक बवाल हुआ, लेकिन वो भी मोदी का जीत का काफिला नहीं रोक पाया। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी थीं। वो महज सीएम पद तक पहुंचकर शांत हो जाने वाले नहीं थे। शायद गुजरात का सीएम बनने के बाद वो एक बार फिर दिल्ली वापसी करना चाहते थे, लेकिन इस बार उनकी नजर कहीं और ही थी। यही वजह है कि 4 बार सीएम रहते हुए मोदी ने पूरा फोकस खुद को एक ब्रांड बनाने में किया और गुजरात के बाहर भी खुद को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। इसके लिए सीएम रहते हुए मोदी ने पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली। गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल चर्चा में लेकर आए। चौथी बार सीएम बने तो साल 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी मींस बिजनेस टाइटल के साथ कवर स्टोरी छपी। इन सब बातों से उनके अति महत्वाकांक्षी इरादों की झलक साफ देखी जा सकती थी। इस बारे में एक वक्त पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वन इट में लिखते हैं, मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सभी साथियों सहयोगियों को एक्टिव करना शुरू कर दिया था। वो सबसे पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को अपनी तरफ लेकर आए, फिर बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे धार्मिक लोगों को अपने फेवर में कर लिया। गुजरात सीएम होते हुए वो लगातार केंद्र की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमले करते रहे और भ्रष्टाचार, महंगाई, रुपए की गिरती कीमतों को बड़ा मुद्दा बनाकर मनमोहन सरकार को घेरते रहे। उस वक्त मनमोहन सरकार पहले से ही कई तरह के घोटालों में घिरी हुई थी।
उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने मंत्री उनके लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। कैसे उन्हें कांग्रेस ने बलि का बकरा बना रखा था, ये सब हम आपको अपनी पिछली सीरीज में बता ही चुके हैं। बहरहाल कांग्रेस के अंदरूनी कलह, कमजोर पीएम, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी ने ऐसा माहौल तैयार किया कि समस्त देशवासियों को उनसे बेहतर विकल्प कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन केंद्र सरकार से लड़ाई के अलावा मोदी की एक और लड़ाई चल रही थी, वो भी अपनी ही पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ। बीजेपी में एक लॉबी ऐसी थी जो चाहती थी कि नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता की कमान जाए, तो वहीं एक लॉबी इसका विरोध कर रही थी। इतिहासकार गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजनीति, अ बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं, नितिन गडकरी को हटाकर 2013 में जब राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके कुछ समय बाद ही वो ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर के बीच नरेंद्र मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी अंदाजा था। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी मोदी को चुनावी चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन आडवाणी खेमा इसके लिए तैयार नहीं था। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाली गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इस वजह से आडवाणी समेत कई बड़े नेता उस बैठक में शामिल ही नहीं हुए थे। दूसरी तरफ एनडीए की पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू भी मोदी के नाम पर अपनी असहमति जता चुकी थी। राजनाथ सिंह ने उन्हें मनाने की कोशिशें की, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और गठबंधन तोड़ने की धमकी देते रहे। गौतम चिंतामणि के मुताबिक गोवा में हुई उस बैठक के लिए जब मोदी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने सबसे पहले मोदी के नाम का समर्थन किया और आखिरकार 9 जून को राजनाथ सिंह ने चुनाव समिति के अध्यक्ष के पद के लिए मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। अब मोदी के नाम का ऐलान होने के अगले ही दिन नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राजनाथ सिंह के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा, बीजेपी दिशा भटक चुकी है, ये वो पार्टी नहीं जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूँ, इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। बस फिर क्या था, बीजेपी के बड़े नेताओं की आडवाणी के घर तक दौड़ शुरू हो गई। राजनाथ ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया। 2 दिनों तक आडवाणी को मनाने की कवायद होती रही और आखिरकार 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत के बाद आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस लिया। हालांकि बीजेपी में चल रहे इस नाटक पर कांग्रेस ने उस वक्त खूब चुटकी ली। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो यहां तक कह दिया था कि एक रक्त बीज से जब दूसरा रक्त बीज पैदा होता है तो वो ज्यादा ताकतवर होता है। बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच सुगबुगाहट है कि अगर ये पहलवान यानी मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा। खैर, रावत की ये बात थोड़े टाइम के बाद सच भी साबित हो गई। मोदी के पीएम बनते ही पार्टी के सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करते हुए मोदी ने यंग ब्रिगेड तैयार की और अपनी मर्जी के नेताओं को ही मंत्रिमंडल में जगह दी। अब आइए एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि बीजेपी में उठ रहे तमाम विरोधाभासों के बीच कैसे आरएसएस ने मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता खोला। 31 मार्च 2014 को ओपन मैगजीन में वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश लिखते हैं, बीजेपी में आंतरिक कलह चल रहा था। संघ को लगा कि अब उसका दखल जरूरी है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा ऊर्जावान व्यक्तित्व आरएसएस की पहली पसंद था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि मोदी को संघ की और संघ को मोदी की काफी जरूरत थी। इसकी वजह थी कांग्रेस। संघ को चिंता थी कि मनमोहन सरकार संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। जुलाई 2010 में चर्चा होने लगी थी कि जांच एजेंसीज मुस्लिम पूजा स्थलों पर हुए आतंकी हमलों में हिंदुओं के शामिल होने के सबूत जुटा रही हैं। उस वक्त पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल आरएसएस के लिए किया था। हरीश खरे के मुताबिक जब संघ भगवा आतंक लेकर कांग्रेस के निशाने पर था, ठीक उसी वक्त मोदी इशरत जहां एनकाउंटर के मामले में कथित तौर पर फंसे हुए थे। जांच एजेंसियां पहले अमित शाह और फिर मोदी पर शिकंजा कसना चाहती थी। अमित शाह तब भी मोदी के सबसे वफादार साथी थे। इशरत जहां एनकाउंटर केस में ना माने की वजह से शाह को गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और कुछ दिन जेल में भी काटना पड़ा।
इन सब उठापटक के बीच मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव और प्रचंड तरीके से जीता। उस चुनाव से साफ हो गया कि अगर कांग्रेस को कोई टक्कर दे सकता है तो वो मोदी ही है। इसी वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में संघ का सीधा दखल दिखा। एक तरफ संघ ने मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वो सब बीजेपी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उस साल विजयदशमी के अपने भाषण में 100% वोटिंग की अपील की थी। इमरजेंसी के बाद पहली बार आरएसएस चुनाव अभियान में अपनी गर्मजोशी दिखा रहा था। 27 फरवरी 2014 के दिन बीजेपी लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी गई। बीजेपी नेताओं का कहना था कि मोदी दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिनमें एक थी वाराणसी लोकसभा सीट और दूसरी थी वडोदरा लोकसभा सीट। वाराणसी के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी को इस बारे में आरएसएस के भैया जी जोशी ने बता दिया था, लेकिन जोशी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिर में उस वक्त यूपी में बीजेपी प्रभारी रहे अमित शाह ने जोशी से साफ शब्दों में कहा कि आपको कानपुर से ही चुनाव लड़ना होगा। बेचारे जोशी जी तब क्या करते। 15 मार्च को बीजेपी उम्मीदवारों की अगली लिस्ट आई तो उसमें वाराणसी सीट के कॉलम के आगे लिखा था नरेंद्र मोदी, मतलब वही वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले थे। और उसके बाद जो हुआ वो तो सभी जानते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में ऐसी मोदी लहर चली कि बीजेपी ने पहली बार 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली और इस तरह नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद साल 2019 के चुनाव हुए और एक बार फिर 303 सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और मोदी दूसरी बार पीएम बने। उनका दावा है कि 2024 के चुनाव में वो एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। मोदी में ऐसा क्या है जो देश ही नहीं दुनिया उनकी दीवानी है। वो जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। इसके लिए आपको उनसे जुड़े तीन किस्से जानने होंगे। गुजरात दंगों से जुड़ा पहला किस्सा। नरेंद्र मोदी के पहली बार गुजरात का सीएम बनने के एक साल बाद ही 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। इस भयावह कांड के बाद गुजरात के कई इलाकों में दंगे भड़क उठे और करीब 1000 लोगों की जाने गई। दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया, जिसे दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। कोर्ट ने SIT को दंगों में मोदी की भूमिका की जांच की भी जिम्मेदारी सौंपी। जांच के बाद फरवरी 2011 में SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। हालांकि बाद में इस केस में याचिकाकर्ता जकिया जाफरी ने मोदी को क्लीन चिट मिलने के खिलाफ पिटीशन दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। खास बात यह है कि दंगों के बाद उसी साल दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए और फिर से मोदी प्रचंड बहुमत से जीते। राजधर्म से जुड़ा दूसरा किस्सा। बताया जाता है कि गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दौरे पर गए। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन करें। अटल जी की बात को बीच में टोकते हुए मोदी ने कहा, साहब मैं उसी का पालन कर रहा हूं। इसके बाद वाजपेयी जी ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। इसी तरह एक बार 12 अप्रैल 2002 के दिन गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। इसके बारे में लालकृष्ण आडवाणी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गोवा के सफर में वो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे। गुजरात की चर्चा हुई तो किसी ने अटल जी से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। इस पर अटल जी ने कहा कि मोदी को कम से कम इस्तीफे का ऑफर तो करना चाहिए। बीजेपी डेलीगेशन गोवा पहुंचा तो आडवाणी ने मोदी से कहा कि आपको इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। बैठक में नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड और बाद के हालात पर विस्तार से जानकारी दी और भाषण के अंत में कहा, सरकार के मुखिया के बतौर मैं अपने राज्य में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मोदी के इतना कहते ही बैठक का हॉल इस्तीफा मत दो के शोर से गूंज उठा। ये शोर वाजपेयी और आडवाणी भी सुन रहे थे, लिहाजा वो बोले कि इस पर बाद में फैसला लेंगे और इस तरह से मोदी का इस्तीफा टल गया। बीजेपी का विराट संगठन बनाने का भी एक किस्सा है।
साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो सबसे पहला काम उन्होंने बुनियादी तौर पर संगठन को मजबूती देने का किया और पार्टी का विस्तार किया। 2014 में सरकार बनी और मोदी युग की शुरुआत हुई और तब से ही बीजेपी ने संख्या बल, राज्यों में सरकार और वोट शेयर के मामले में काबिले तारीफ बढ़ोतरी हासिल की। मोदी की सरकार बनने से पहले बीजेपी ने पहली बार 1999 के लोकसभा चुनाव में 182 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर के चलते ये आंकड़ा 282 तक पहुंच गया और पहली बार बीजेपी ने अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसी करिश्मे को मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखा और सीटों का आंकड़ा बढ़कर 303 तक पहुंच गया। 2014 के चुनाव के बाद देश के बाकी राज्यों में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा और 2018 आने तक 21 राज्यों की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो चुकी थी। इसके अलावा बीजेपी ने अपना कैडर भी बढ़ाया। दावा किया जाता है कि आज की तारीख में करीब 20 करोड़ रजिस्टर्ड सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थे वो तीन किस्से जो मोदी को मोदी बनाते हैं। जिस तरह वो दोस्त बनाते हैं, जिस तरह विपक्षी दलों पर हमला करते हैं, जिस तरह हिंदुत्व की रक्षा करते हैं और देश के मान सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, उनकी यही सारी खासियतें हैं जो देश के लोगों को अपना बना लेती हैं। तो चलते चलते अब आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं देश के लिए। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।